आज हम आ चुके हैं गोवा के फेमस बेव्यू रिजॉर्ट पे। यहाँ मिलने वाले कुजींस का पूरा गोवा दीवाना है, तो आइए चलते हैं अपने लिए इनके यहाँ के फेमस कुजींस लगवाते हैं और पूरा रिजॉर्ट एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तंदूरी पॉम्पलेट बनाने के लिए पॉम्पलेट फिश के सारे अनवांटेड पार्ट्स लाइक फिन्स, टेल्स, गिल्स को निकाल के अलग किया जाएगा। उसके बाद फिश में सेफ वाले स्टाइल में कट लगाया जाएगा, जिससे कि इसके अंदर मसाले डालने पे मसाले अच्छे से अंदर चले जाए और कुक होने पे फिश की टेस्ट और मसालों की टेस्ट जब एक साथ आए तो खाने में और भी ज्यादा बेहतरीन लग सके। ये एक सीक्रेट मसाला है जिसे यहाँ के शेफ के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। इस मसाले को बनाया जाता है रेडीमेड तंदूर मसाले से, और उस रेडीमेड तंदूरी मसाले में ऐड किया जाता है जिंजर गार्लिक का पेस्ट, चिली पाउडर, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर, मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन डाल मसाले रेडी किए जाते हैं। फिशेस के अंदर अच्छे से मसाले चले जाने के बाद इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल लगा के उसे मस्टर्ड ऑयल डाला जाएगा, जिससे कि इसके अंदर फिश डालने पे वो बारबेक्यू में चिपके ना। उसके बाद उसे फॉइल में रैप करके बारबेक्यू स्टैंड में लगाया जाता है। हमने यहाँ पे दो पॉम्पलेट लगाया था, आप देख सकते हैं इसे हर 5 मिनट पे पलटा जाता है और ये 15 से 20 मिनट के बाद बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं देखने में कितना ज्यादा लजीज लग रहा है। नेक्स्ट बनने जा रहा है क्रैब बटर गार्लिक सॉस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्रैब को गर्म पानी में 10 मिनट तक बॉइल किया जाता है। बॉइल करने के बाद इसके शेल निकाल के इसके अंदर बटर गार्लिक सॉस डाला जाता है, जिसमें चीज, बटर, गार्लिक, सॉल्ट डाल के रेडी किया जाता है। एंड नाउ ये सर्व होने के लिए तैयार है। नेक्स्ट बनने जा रहा है चिकन बारबेक्यू। इसे बनाने के लिए सबसे पहले चिकन के लेग पीस निकाल के उसे छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं, फिर उसमें दही, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, बारबेक्यू सॉस, टेस्टिंग सॉल्ट, रेड चिली पाउडर डाल के मसाले रेडी किए जाते हैं और फिर उसे चिकन के ऊपर लगा के 5 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इसको तंदूरी सीख में डाल के बारबेक्यू स्टैंड में लगाया जाता है एंड 30 मिनट्स के बाद हमारा चिकन बारबेक्यू रेडी है। ये देखने में बहुत ही ज्यादा लजीज लग रहा है। अब इतने सारे आइटम्स हमने बनवा लिया है, इसके लिए हमें हजम करने के लिए भी कुछ चाहिए ना, इसलिए हमने ऑर्डर किया है कोकम जूस। इसको बनाने के लिए सबसे पहले लेमन को स्लाइस में काटा जाता है, उसके बाद मिंट को पीसेस में काट के शेकर में डाला जाता है, देन मेजर में 30 ml कोकम जूस लेके उसे शेकर में डाल के उसमें ऐड किया जाता है सोडा, फिर उसमें डाला जाता है नींबू का छिलका, देन उसमें जाएंगे आइस और फिर उसे शेक किया जाएगा। उसके बाद शेकर का ढक्कन खोल के ड्राई आइसिंग के मेथड से कोकम जूस को सर्व किया जाएगा। वेलकम टू बेबी रिजॉर्ट। रिजॉर्ट हमने इस तरीके से बनाया है कि इसमें 14 रूम्स हैं, 7 रूम जो हैं वो पाइन वुड के हैं और 7 रूम जो हैं बैम्बू के हैं। इसके साथ में हमारे दोनों कमरों के बीच में एक 2 स्विमिंग पूल हैं, एक जकूसी है और एक दूसरा बड़ा स्विमिंग पूल है जो 3 से 5 फीट के बीच में है। हम यहाँ पे पार्टीज़ करते हैं, पूल साइड पार्टीज़ कुछ प्रपोजल्स के लिए इस्तेमाल करे गए हैं। यहाँ पे आप एक काम प्रपोज करें अपनी गर्लफ्रेंड को, पूल साइड पार्टीज़ हो गई। और फिर हमारा एक बार है जिसमें हम फुली लोडेड हैं और बारटेंडर हमारा माना जाता है अच्छे कॉकटेल्स के लिए। और हमारा किचन है जहां हम इंडियन और गोवन दोनों सर्व करते हैं। मैं और मेरा शेफ, हम खुद मार्केट जाते हैं, खुद खरीद के लाते हैं, तो आई थिंक जो हमारा टेस्ट बरकरार है और जो टेस्ट इसका नाम बन रहा है वो शायद इसलिए बन रहा है कि हम हर एक इन्ग्रीडियंट को खुद जाके, खुद परख कर, खुद खरीद कर उसको इस्तेमाल करते हैं। वो एक रूफ टॉप रेस्टोरेंट है क्योंकि हमारे रिजॉर्ट से जो समुंदर है, जो बीच है, वो सिर्फ 150 मीटर की दूरी पे है। तो शाम को जो सनसेट का व्यू है और सुबह जो सनराइज़ का व्यू है वो काबिले तारीफ़ है।